आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोलघर जलखल स्थित 38.22 करोड़ की लागत से निर्मित पूर्वांचल की पहली मल्टी लेवल पार्किंग का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटन दबाकर किया लोकार्पण। कहा, अब महानगर जाम की समस्या से रहेगा मुक्त, 1000 वाहन की हो सकेगी पार्किंग, लोगों को मिलेगी सहूलियत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में नाबार्ड के राज्य ऋण संगोष्ठी एवं ग्रामीण समृद्धि सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। अल्प अवधि फसली ऋण के अंतर्गत 2200 करोड़ की धनराशि सहित अन्य बैंकों के माध्यम से दिया गया ऋण स्वीकृति पत्र। कहा, खाद्यान्न आलू गन्ना उत्पादन में नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, अत्यंत प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है प्रदेश। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के नेतृत्व में आयोजित किसान नौजवान पटेल यात्रा के 6वें चरण की यात्रा रविवार को पहुंचा गोरखपुर। सर्किट हाउस पर कार्यकर्ताओं ने किया यात्रा का जोरदार स्वागत। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, 350 सीट जीतकर सपा बनाएगी प्रदेश में सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया 142 करोड़ की लागत की कुल 358 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। नगर निगम के 51 सफाई कर्मियों को किया सम्मानित। वितरित किया प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 21 लाभार्थियों को आवास की चाबी तथा प्रमाण पत्र। कहा, विकास एक सामूहिक प्रयास का है परिणाम, विकास की सोच ने ही दिलाई है गोरखपुर को आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित वृहद स्वास्थ्य मेला के साथ रविवार से महंत दिग्विजयनाथ आयुर्वेद चिकित्सालय एवं गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हुआ प्रारंभ। स्वास्थ्य मेला में कुल 1650 रोगियों की निशुल्क जांच के साथ वितरित की गई निशुल्क दवाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एम्स और खाद कारखाने का किया निरीक्षण। अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, 5 दिसंबर के बाद प्रधानमंत्री कर सकते हैं एम्स और खाद कारखाने का लोकार्पण। रविवार को जनपद के 48 केंद्रों पर संपन्न हुई लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा की प्रारंभिक परीक्षा एवं सहायक वन संरक्षक व क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा सुचिता के रहे व्यापक प्रबंध। और सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए किया करवा चौथ का निर्जला व्रत। चंद्रमा के दर्शन के बाद दिया अर्घ, तत्पश्चात किया पारण, सुखद जीवन की कामना।